नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास का 4th चैप्टर करेंगे। क्या नाम बच्चे चैप्टर का? 8 है। 8 का बच्चे हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट पहले कर चुके हैं पहली वीडियो में। सेकंड पार्ट करते हैं बच्चे इसका। अपना टॉपिक है बच्चे आपका ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट, देखो बच्चों, जैसे बच्चे हम किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो हमें क्या बच्चे वो गर्म फील होती है, ठीक है। किसी बच्चे से बर्फ है, बर्फ को हम टच करते हैं हमें कोल्ड फील होता है। एसी की हवा में ठंडी फील होती है बच्चे, हीटर की हवा में गर्म फील होती है, सन की लाइट बच्चे में गर्म फील होती है। मतलब कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है बच्चे, ठंडा ऑब्जेक्ट है, उसकी कोल्डनेस और हॉटनेस क्या बच्चे में फील होती है। तो बच्चे वो क्या करते हैं, अपने हीट को ट्रांसफर करते हैं वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो हीट के ट्रांसफर करने क्या बच्चों आपके तीन प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इस चैप्टर के इस पार्ट के अंदर हम इन तीनों प्रोसेस के बारे में ब्रेक में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बच्चे आपका ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ होगा बच्चे आपका, हायर टेम्परेचर टू कोल्ड टेम्परेचर। ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ होगा बच्चे आपका, हाई टेम्परेचर से कोल्ड टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर बच्चे किसी ऑब्जेक्ट का, वो ट्रांसफर कर रहा है अपनी हीट को किस पे बच्चे, दूसरे ऑब्जेक्ट पे। उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चे आपका, कोल्ड होना चाहिए। कब तक होगा बच्चे ये, जब तक ये दोनों क्या चेंज नहीं कर लेते बच्चे आपकी, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है बच्चे, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे दोनों ऑब्जेक्टों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, सेम हो जाएगा। देखो बच्चों, जैसे हमारे पास क्या बच्चे, वन ग्लास वाटर बच्चे, ये आपका क्या बच्चे आपका कोल्ड है, ठीक है। ये क्या बच्चे आपका कोल्ड वाटर है, इसका टेम्परेचर मान लो बच्चे कितना आपका 25 डिग्री है, ठीक है। इसका टेम्परेचर मान लो बच्चे कितना आपका 20 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को बच्चे एक और दो दोनों को मिक्स कर देते हैं बच्चे हम तीसरे कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो दूसरे कंटेनर का बच्चे जो टेम्परेचर होगा ना आपका सी वाले का, ये क्या होगा बच्चे आपका 50 + 20 / 2 अप्रोक्स कितना हो जाएगा बच्चे आपका, ये 35। इसका कितना होगा बच्चे आपका 35। 20 से क्या बच्चे आपका ज्यादा है और 50 से क्या बच्चे आपका ये कम है। तो बच्चे आपका ये इक्विलिब्रियम क्या बच्चे, एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें बच्चे हॉट और कोल्ड दोनों का क्या होगा बच्चे आपका, मॉडरेट टेम्परेचर हो जाएगा। न तो ये थर्ड वाला बच्चे आपका ज्यादा हॉट रहेगा, न ही जितना आपका कोल्ड रहेगा। तो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो कब तक अपने ट्रांसफर करेगा बच्चे दूसरे ऑब्जेक्ट को, जब तक उन दोनों का टेम्परेचर आपका सेम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर करने बच्चे आपके तीन प्रोसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो स्टार्टिंग विद आवर कंडक्शन, कंडक्शन से बच्चे हम शुरू करते हैं। कंडक्शन इज ए प्रोसेस ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे बच्चे इसके मॉलिक्यूल्स, क्या करते हैं इसके अंदर वाइब्रेट करते हैं। कंडक्शन का प्रोसेस बच्चे किसके अंदर होता है बच्चे, मोस्टली सॉलिड्स के अंदर होता है, ठीक है। वैसे तो बच्चे हीट क्या होती है आपकी, सॉलिड के अंदर भी ट्रांसफर होती है, लिक्विड के अंदर भी होती है और गैसेस के अंदर भी होती है। लेकिन सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है ना, वो कौन से प्रोसेस होती है बच्चे आपकी, कंडक्शन से होती है। सिंपल आप प्रोसेस है बच्चे, देखो जैसे हमारे पास क्या बच्चे की आयरन रोड है, आयरन रोड है बच्चों, आयरन रोड का बच्चे ये एंड क्या करते हैं बच्चे, हम इसको बर्निंग स्टार्ट गर्म करते हैं बच्चे, हीट करते हैं बच्चे। जैसे बच्चे इसको हीट करेंगे, इस एंड से बच्चे ये वाला एंड क्या आपका हॉट है और ये वाला एंड क्या बच्चे आपका कोल्ड है। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे बच्चे आपके, वाइब्रेट करेंगे और ये अपनी हीट को बच्चे यहाँ पे ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा बच्चे आपकी, पूरी रोड क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, गर्म हो जाएगी। तो बच्चे एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हुई है, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है मॉलिक्यूल्स की, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बच्चे आपकी, हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट को, वन टू अनदर। तो बच्चे इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये पूरी रोड क्या हो जाएगी बच्चे आपकी, गर्म हो जाएगी। तो सॉलिड्स के अंदर क्या होगा बच्चे आपके,
मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और पूरे उसको स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, उसे गर्म कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी आपकी, बोलो भाई, कंडक्शन के लिए कंडीशन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए बच्चे, आपके टच में होना चाहिए। जैसे बच्चे ये एक रोड है, यहाँ पे बच्चे हमने कोई रोड प्लेस कर दी है बच्चे, ठीक है, हम चाहते हैं बच्चे ये भी रोड गर्म हो जाए, आपकी ये रोड भी क्या हो जाए बच्चे, गर्म हो जाए, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए बच्चे, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, फिजिकली कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है, यदि इन दोनों के बीच में गैप होगा, यदि रोड यहाँ पे है, इनके गैप है, तो बच्चे एक दूसरे का इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और दोनों का टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए बच्चे, आपका डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। यदि दोनों का सेम टेम्परेचर होगा तो ये तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा बच्चे आपका उसका। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमसे ये पूछा जाए बच्चे, एक एल्यूमिनियम बच्चे एक आयरन है, इन दोनों में से बच्चे आपका कौन जल्दी से ट्रांसफर करता है, तो बच्चे सिंपल आप प्रोसेस है, यहाँ पे बच्चे हमने एल्यूमिनियम की रोड ली है, यहाँ पे किसके लिए बच्चे हमने आयरन की रोड ली है। ठीक है, वैक्स से बच्चे हमने कुछ नेल्स लगा दी, यहाँ पे वैक्स से फिक्स करके नेल्स को हमने लगा दिया है, ये क्या बच्चे आपकी नेल्स है, ये वैक्स के द्वारा बच्चे मोम के द्वारा यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। सेम बच्चे यहाँ पे आपकी कुछ नेल्स हैं, इस एंड से क्या कर दिया बच्चे हमने ईट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से क्या कर रहे बच्चे इसको हम ईट करते हैं, सेम क्या बच्चे इनको यहाँ से हमें ईट कर रहे हैं इस एंड को। दोनों की लेंथ क्या होना चाहिए बच्चे आपकी, सेम होनी चाहिए, इसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए बच्चे सेम, इसकी भी क्या होनी चाहिए बच्चों सेम होनी चाहिए, और जितनी ईट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ भी बच्चे क्या होना चाहिए आपकी, सेम ईट होनी चाहिए। सेम टाइम कंडीशन क्या होनी चाहिए बच्चे, दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, लेकिन देखो बच्चे जैसे हम ईटिंग स्टार्ट करते हैं दोनों के सेम टाइम पे, यहाँ के जो बच्चे वैक्स से जो आपकी नेल है जल्दी से गिरना स्टार्ट हो जाएगी, एज कम्पेयर टू आयरन, आयरन की बच्चे कंपेरिजन में जल्दी गिरेंगे वैक्स वाली एल्यूमिनियम वाली, तो बच्चे एल्यूमिनियम की जल्दी गिर रही है, तो इसका मतलब क्या बच्चे आपका एल्यूमिनियम इज गेटिंग हॉट फास्टली, एल्यूमिनियम क्या बच्चे आपका जल्द बहुत जल्दी से गर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चे कंडक्टर्स ऑफ हीट, कंडक्टर्स ऑफ हीट क्या होगा बच्चे आपके, कोई भी कंडक्टर होगा बच्चे दो तरीके का होगा, एक तो गुड कंडक्टर होगा, एक क्या होगा बच्चे आपका बैड कंडक्टर होगा। गुड का मतलब क्या होगा बच्चे, विच कैन ट्रांसफॉर्म हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, ये एक को क्या करेगा बच्चे आपका ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और बैड कंडक्टर क्या होगा बच्चे, हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा। अब देखो बच्चों दोनों का क्या होता है, इनकी इक्वली पोटेंस होती है, गुड कंडक्टर्स आर आल्सो इंपोर्टेंट एंड बैड कंडक्टर्स आर आल्सो इंपोर्टेंट। गुड कंडक्टर से क्या बनाएंगे बच्चे, हमें यूटेंसिल्स बनाएंगे, रोड बनाएंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स है जो किसी चीज को गर्म करने में यूज किए जाते हैं वो किससे बनते हैं बच्चे आपके, ऐसे मटेरियल के बनेंगे जो क्या हो बच्चे आपके, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो। अब देखो बच्चे हमने रोड तो बना चुके हैं, किसकी सहायता से, गुड कंडक्टर ऑफ मेटल, मेटल की सहायता से हमने रोड बना दी है, लेकिन उस रोड को बच्चे एंडलिंग करने के लिए क्या चाहिए हमें, बैड कंडक्टर ऑफ हीट चाहिए जो उसको हीट को ट्रांसफर ना करे, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर ना करे, तो बच्चों में कंडक्टर की जरूरत भी है और इंसुलेटर आर आल्सो इंपोर्टेंट, इंसुलेटर भी क्या होंगे बच्चे हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। ठीक है, इंसुलेटर के अंदर क्या आएगा बच्चे आपका, वुड, प्लास्टिक्स एंड कनेक्टर के अंदर क्या आएंगे बच्चे आपके, मेटल्स आएंगे, जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, सभी है। ठीक है, सिल्वर, नेक्स्ट है बच्चों आपका इसके अंदर कनेक्शन का प्रोसेस हम कर चुके हैं, नेक्स्ट है बच्चे आपका कन्वेक्शन, कन्वेक्शन इज ए प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसफर विद इन ए सब्जेक्ट बाई मूविंग मोलिकुल्स, इसके अंदर क्या होगा बच्चे आपके मोलिकुल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो बच्चे मूव करेंगे, और देखो बच्चे हमारे पास क्या बच्चे, सॉलिड है, लिक्विड है एंड गैस। ठीक है, सॉलिड के मोलिकुल्स से बच्चे मूव नहीं कर पाते, सॉल्यूट्स आर टाइटली पैक,
तो बच्चे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या बच्चे आसानी से मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कन्वेक्शन का प्रोसेस किसके अंदर होगा बच्चे, आपका लिक्विड के अंदर होगा। कन्वेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर बच्चे तो ट्रांसफर ऑफ हीट होगी ना, उसको क्या बोलेंगे हम, कन्वेक्शन बोलेंगे। देखो बच्चे एग्जांपल से देखते हैं हम। जैसे बच्चे हमारे पास कोई फ्लास्क है, दिस फ्लास्क इज फिल्ड विद वाटर। किससे फिल्ड किया गया बच्चे, वाटर से फिल्ड किया गया है। इसको क्या किया बर्निंग स्टार्ट कर दी बच्चे, हीट देना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रखा बच्चे हमने, एक आइस क्यूब रखी है। ठीक है, एक दूसरा कंटेनर बच्चे अपने पास, दिस इज ऑल्सो फिल्ड विद वाटर। ये भी बच्चे किससे फिल्ड है, वाटर से। और यहाँ पे बच्चे हमने क्या रखी है, आइस क्यूब रख दी बच्चे। यहाँ पे क्या रख दी बच्चे हमने, आइस क्यूब रखी है। बच्चे जहां से हम हीट देना स्टार्ट करेंगे ना, तो मेल्टिंग ऑफ आइस यहाँ पे क्या होगी बच्चे, आपकी फास्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगी बच्चे, आपकी फास्ट होगी। क्यों होगी बच्चे, इसको क्या कर रहे हैं बच्चे, हम हीट कर रहे हैं। हीट करें तो वाटर क्या हो जाएगी बच्चे, आपका हीट हो जाएगा। वाटर हीट होगा तो बच्चे वाटर अपनी हीट किसको ट्रांसफर करेगा बच्चे, आइस को ट्रांसफर करेगा। और आइस को हीट मिलेगी तो आइस क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी मेल्ट होना फास्ट हो जाएगी। तो बच्चे लिक्विड के अंदर क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो बच्चे लिक्विड के अंदर से गर्म करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चे, हमें कॉन्वेक्शन बोलेंगे। दूसरे एग्जांपल से देखो बच्चों, जैसे बच्चे हमारे पास कोई यूटेंसिल है, कोई बर्तन है बच्चों, इसका बच्चे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं इस तरीके से। ये फ्लेम्स है बच्चे आपकी, ये कोई सोर्स है, ये क्या बच्चे आपका लिक्विड। देखो बच्चों स्टार्टिंग में क्या बच्चे आपका लिक्विड है, नॉर्मल है, पूरा टेम्परेचर क्या बच्चे इसका एक समान है, इक्वल टेम्परेचर बच्चे। लेकिन जैसे जैसे हम इसको हीट करेंगे, यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे, आपका हाई हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, आपका लो होगा। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चे, हाई होने के कारण। देखो बच्चों मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जब हाई हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं बच्चे, आपके लाइटर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बच्चे, हल्के हो जाते हैं। और हल्के होने के कारण क्या करें बच्चे, आपकी मूवमेंट करेंगे किसकी तरफ, ऊपर की तरफ कर रहे हैं। जब बच्चे ऊपर जा रहे हैं साथ में क्या लेके जाएंगे बच्चे, यहाँ आपके हीट एनर्जी लेके जाएंगे। वो इस हीट एनर्जी किसको देंगे बच्चे, या आपके जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं उनको हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है बच्चे, आपका जो मॉलिक्यूल्स आपके ऊपर है ये क्या बच्चे, आपके हैवी हैं। क्या बच्चों, हैवी हैं, हैवी हो जाएंगे बच्चे एज कम्पेयर टू बॉटम पार्टिकल्स। तो ये क्या कर देंगे बच्चे, आपके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा बच्चे, आपका एक रोटेशन का प्रोसेस हो जाएगा इसके अंदर, और पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा बच्चे, आपका गर्म हो जाएगा विद इन ए टाइम। गैसेस के अंदर क्या होगा बच्चे, आपका कन्वेक्शन का प्रोसेस इतना स्लो होगा क्योंकि पार्टिकल्स में क्या होता है बच्चे, आपका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका इसके अंदर, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चे आपका सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। देखो बच्चे सी एंड लैंड ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या बच्चे, आपकी हवा, सी से चलने वाली हवा और लैंड से चलने वाली हवा। अब देखो बच्चे ये क्या बच्चे आपका ओशियन है, दिस इज एन ओशियन एंड वी कैन अज्यूम दैट हियर इज आवर, यहाँ पे क्या बच्चे आपका घर का कोई हाउस। ठीक है बच्चों, ये क्या बच्चे आपकी लाइट। वी आर टॉकिंग अबाउट डे टाइम, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, हम डे की बात कर रहे हैं। अब देखो बच्चों दिन के समय क्या होता है बच्चे, जो लैंड है आपकी वो क्या होगी बच्चे, जल्दी से गर्म हो जाएगी। लैंड क्या होगी बच्चे, जल्दी से गर्म हो जाएगी। लैंड इज हीटेड फास्ट एट कंपेयर टू ओशियन इन डे टाइम। मतलब लैंड क्या बच्चे आपके, जब बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगी। लैंड जल्दी से गर्म हो जाएगी तो इसकी आसपास की एयर है क्या हो जाएगी बच्चे, वो हल्की हो जाएगी। हल्की होने के कारण क्या हो जाएगी बच्चे, वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। एयर क्या हो जाएगी बच्चे, आपकी लाइट हो जाएगी। और लाइट होने के कारण
यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, कुछ ना कुछ गैप क्रिएट हो जाएगा। तो समुद्र की तरफ से क्या होगा बच्चे, आपकी दिन के समय कैसी हवा आएगी बच्चे, ठंडी हवा आएगी, कोल्ड एयर आएगी बच्चों दिन के समय समुद्र की तरफ से। तो लैंड ब्रीज होगी बच्चे आपकी सी ब्रीज। तो इसका सी ब्रीज बेटे कहाँ से कहाँ फ्लो करती है आपकी, फ्रॉम ओशियन टू लैंड। सी ब्रिज इज फ्लो फ्रॉम ओशियन टू लैंड इन डे टाइम, दिन के समय रहती है। अब देखो बच्चों समुद्र से ठंडी ठंडी हवा रही है, तो आप खिड़की यहाँ लगाना पसंद करोगे या लगाना पसंद करोगे। अब बच्चे आपको चाहिए चिल्डेयर, तो बच्चे आप यहाँ क्यों लगाओगे, चिल्डेयर तो हमें ओशन से मिल रही है ना, तो हमारी खिड़की की साइड मिलेगी बच्चे आपको ओशन की तरफ मिलेगी। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों रात हो जाती है तो क्या करेंगे हम। अब देखो बच्चों नाइट टाइम, अब देखो बच्चों जो लैंड आपकी वो जल्दी से क्या होगी बच्चे आपकी गर्म होगी। तो ये क्या वो जल्दी से क्या हो जाएगी बच्चे आपकी ठंडी हो जाएगी, जितनी जल्दी से गर्म होगी उतनी जल्दी से क्या हो जाएगी बच्चे आपकी ठंडी हो जाएगी। तो बच्चों रात के समय क्या होगा, लैंड क्या हो जाएगी आपकी कोल्ड हो जाएगी, रात के समय क्या होगी बच्चे आपकी कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, और ये ओशन क्या हो जाएगा बच्चे आपका हॉट हो जाएगा, ओशन क्या होगा बच्चे आपका हॉट होगा, क्योंकि पानी क्या बच्चे आपका धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे क्या होगा बच्चे ठंडा होगा। अब बच्चे समुंदर क्या आपका गर्म है, तो समुंदर के अंदर बच्चे जो एयर है वो क्या से बच्चे आपकी लाइट हो जाएगी, ये एयर क्या हो जाएगी बच्चे आपकी लाइट हल्की हो जाएगी। ठीक है, हल्की होने का बच्चे ऊपरी तरफ उड़ जाएगी, तो रात के समय क्या से होगी बच्चे हवा कैसी चलेगी आपकी लैंड टू सी। तो लैंड ब्रिज कहाँ फ्लो करेगी बच्चे आपकी नाइट में फ्लो करेगी, ये कहाँ से लैंड टू सी इन द टाइम ऑफ नाइट, नाइट में फ्लो करेगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चे सी ब्रिज कहाँ से कहाँ आती है आपकी, ओशियन टू लैंड इन द डे टाइम, एंड लैंड ब्रिज फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी इन नाइट। ओके बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। देखो बच्चों इस कन्वेक्शन करंट की बच्चे एप्लीकेशन क्या होगी आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चे आपकी। सबसे पहले क्या बच्चे वेंटिलेटर्स, हमारे घरों के अंदर क्या बच्चे वेंटिलेटर्स होते हैं मोस्टली, जितने भी बिल्डिंग्स हैं वहां पे वेंटिलेटर्स मिलेंगे। वेंटिलेटर्स कहाँ होंगे बच्चे, जैसे ये आपका घर है, ठीक है घर पे बच्चे यहाँ पे वेंटिलेटर मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, छत पे मिलेंगे बच्चे, बॉटम में तो वेंटिलेटर होगा ये आपका। अब बच्चे देखा कभी आपने नीचे वेंटिलेटर नहीं होंगे बच्चे, ऊपर वेंटिलेटर क्यों होंगे बच्चे, जैसे बच्चे आपका घर है यहाँ पे घर है, तो बच्चे फील्ड विद एयर घर हवा से फील होगा बच्चे आपका। अब देखो बच्चों हवा के कारण फील होने के कारण जो ऊपर होगा बच्चे यहाँ पे एयर कैसी होगी बच्चे आपकी, हॉट एयर होगी, कैसी एयर होगी बच्चे हॉट, और नीचे वाली एयर कैसी होगी बच्चे आपकी कोल्ड एयर होगी। हॉट एयर क्या होती है बच्चे आपकी लाइट होती, कैसी होते हैं बच्चे आपकी लाइट, और कोल्ड एयर क्या कैसी होती है बच्चे आपकी हैवी होती है। तो वेंटिलेटर इसलिए यूज करते हैं बच्चे हमें टू ब्लो आउट हॉट एयर फ्रॉम इनसाइड, जो जैसे बच्चे घर के अंदर जो गर्म हवा हो जाएगी ना उसको बाहर निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चे आपका वेंटिलेटर का यूज करेंगे, इसलिए वेंटिलेटर कहाँ लगाएंगे बच्चे हमें एट दी टॉप ऑफ आवर वॉल, छत के बिल्कुल ऊपर लगाएंगे, अपने जो दीवार होगी बच्चे इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों दोबारा से बच्चे हमारा यहाँ पे घर का डायग्राम बनाते हैं, हमें बच्चों यहाँ पे लगाना है एसी, एसी कहाँ लगाएंगे बच्चे, ऊपर लगाएंगे नीचे लगाएंगे, ऊपर ही लगाएंगे बच्चे, क्योंकि एसी कैसी प्रोड्यूस करेगा बच्चे, प्रोड्यूस करेगा आपकी कोल्ड एयर, और कोल्ड एयर कैसी होती है बच्चे आपकी हैवी होती है, तो ये पूरे रूम को कैसे करते हैं बच्चे ऑक्यूपाई कर देंगे। ठीक है, अब दोबारा क्या लगाना है बच्चे, सर्दी का मौसम आ चुका है हम हीटर लगाना चाहते हैं, तो हीटर बच्चे छत पे नहीं लगाते, हीटर कहाँ लगाएंगे बच्चे हमें बॉटम में लगाएंगे, बॉटम में क्यों लगाएंगे बच्चे, ये कौन सी एयर प्रोड्यूस करेगा बच्चे आपकी हॉट एयर प्रोड्यूस करेगा, और एयर हॉट एयर कैसी होती है बच्चे आपकी लाइट होती है, तो पूरे रूम को क्या करते हैं बच्चे ये वार्म कर देगी। ठीक है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट। ओके बच्चों नेक्स्ट है आपका रेडिएशंस, नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन।
ट्रांसफर ऑफ हीट पड़ा कंडक्शन के अंदर और आपका कन्वेक्शन के अंदर, दोनों के अंदर किसकी जरूरत है बच्चे आपको, मीडियम की जरूरत है, माध्यम की जरूरत है बच्चे। सॉलिड के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे थे, लिक्विड के अंदर क्या था बच्चे आपके मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे। अब देखो बच्चों एक ऐसा मीडियम, जैसे बच्चे हमारे पास यहाँ पे हीटर है, हीटर की बच्चे वार्म को फिल कर रहे हैं लेकिन बीच में कोई मीडियम नहीं है ना, तो एयर की क्या हो रही है बच्चे आपकी ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है, ठीक है। एयर इज ऑल्सो बेनिफिट ऑफ हीट। अब देखो बच्चे रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन इज ए फिनोमेना इन विच हीट इज ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी मीडियम के क्या होगी बच्चे आपकी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, किसके अंदर, विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी माध्यम के क्या होगी बच्चे आपकी हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो बच्चे जैसे सनलाइट है, सनलाइट बच्चे में प्राप्त होती है, कोई मीडियम नहीं होता बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है हाउ इज सन ट्रांसफर फ्रॉम हीट फ्रॉम टू अस, कैसे ट्रांसफर करेगा बच्चे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर बच्चे कोई प्रोसेस की आपके मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों जो हीट बच्चे ट्रांसफर करते हैं सन ने, इसको बच्चे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, क्या किया जाएगा बच्चे आपका एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। अब देखो बच्चों दो ऑब्जेक्ट हैं बच्चे आपके, एक ऐसा बच्चे आपका ब्लैक, एक ऐसा बच्चे आपका व्हाइट, दोनों के अंदर क्या बच्चे आपको कोई लिक्विड फिल कर दिया, हमने वाटर फिल कर दिया बच्चे दोनों के अंदर, ठीक है। एंड बोथ आर प्लेस्ड इन सनलाइट, दोनों कहां प्लेस कर दिया गया बच्चे सनलाइट में। तो बच्चों जो ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाला वाटर क्या होगा बच्चे आपका जल्दी से क्या हो जाएगा बच्चे आपका गर्म हो जाएगा, क्यों बच्चे ब्लैक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन स्पीड क्या होती है बच्चे आपकी फास्ट होती है एज कंपेयर टू व्हाइट। व्हाइट क्या कर देंगे बच्चे रिफ्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और ये कहने बच्चे एब्जॉर्ब करेंगे। और दोनों को बच्चे हमने कहां में फील कर दिया, पहले किया हमने कोल्ड में, अब नीचे लेके गए बच्चे को अंदर कोल्ड में रखा, तो ये भी क्या होंगे बच्चे ठंडे भी जल्दी से क्या होंगे आपके ब्लैक वाले ही ठंडे जल्दी होंगे, ठीक है। तो इसलिए बच्चे हम क्या सर्दी के मौसम में बच्चे हमें ब्लैक कपड़े पहनते हैं, और गर्मी के मौसम में बच्चे कैसे कपड़े पहनते हैं हमें व्हाइट ड्रेसेस पहनते हैं, अपने घरों को भी बच्चे व्हाइट पेंट इसलिए किया जाता है वो लाइट को क्या करेंगे बच्चे आपके रिफ्लेक्ट कर देंगे, वो ब्लैक कलर होगा तो लाइट को क्या करेगा बच्चे वो एब्जॉर्ब करेगा, यदि ब्लैक कलर होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे घरों का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बच्चों इसके अंदर जैसे क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स, क्लाउडी नाइट होंगी बच्चे आपकी जो बादलों वाली रात होगी बच्चे वो गर्म क्यों होगी बच्चे, जैसे बच्चे अर्थ दिन के समय बच्चे लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो रात को समय क्या करेगी बच्चे लाइट इसको हीट को रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन क्लाउड्स क्या होंगे बच्चे उसको वापिस ट्रांसफर कर देंगे अर्थ के ऊपर, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चे अर्थ का राइज अप हो जाएगा, ठीक है। और जितनी भी आपकी ये इलेक्ट्रिकल हॉट प्लेट्स है बच्चे ब्लैक कलर की इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि हीट के आगे बच्चे वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट है बच्चे आपका थर्मोस फ्लास्क, थर्मोस फ्लास्क। देखो बच्चों फ्लास्क होता है बच्चे थर्मोस होते हैं आपके जो उसको बच्चे हम यूज करते हैं किस लिए बच्चे, कोई गर्म चीज उसको गर्म रखने के लिए, ठंडा चीज बच्चे उसको ठंडा रखने के लिए, इस तरीके से बने होते हैं बच्चे आपके ये। लेट्स ट्राई देखो बच्चों इस तरीके से होगा कुछ आपका ये, यहाँ पे बच्चे टाइट होगा ये इसके साथ, ठीक है। ये किससे बना होगा बच्चे आपका, ये वाला मेटल है आपका ग्लास। ग्लास क्या होता है बच्चे आपका बैरोमीटर होता है हीट का, हीट को ट्रांसफर नहीं करता है ये, तो बच्चों खाली जगह दिखाई दे रही ना आपको, ये कैसे होती है बच्चे आपकी वैक्यूम होती है, क्या होती है बच्चों आपकी वैक्यूम, वैक्यूम होने के कारण क्या होगा बच्चे यहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, वैक्यूम क्या होगा बच्चे हीट को ट्रांसफर नहीं होने देगा। ये क्या होगा बच्चे आपका स्टील का बना होगा कुछ भी ऐसा, ये बच्चे बाहर के हीट को अंदर नहीं आने देगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या बच्चे आपका एयर टाइट होगा,
एयर टाइट होने के कारण क्या होगा बच्चे, आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है बच्चों, तो थर्मल फ्लास्क बच्चे इस तरीके से डेवलप किया जाता है। इसके अंदर जो हमने बच्चे कोल्ड एयर, कोल्ड लिक्विड डाला है या हॉट लिक्विड डाला, कुछ भी बच्चे प्लेस किया है, जैसा उसका टेम्परेचर है बच्चे वैसा ही उसका टेम्परेचर रहेगा, मतलब उसके टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था आपका। एंड लास्ट टॉपिक था बच्चे आपके चैप्टर का, वो कंप्लीट हो चुका है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बार बार पढ़ना मजा आएगा, आप यूज भी कर सकते हो, डेली अपनी लाइफ में देख भी सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो यू कैन मेंशन इन योर कमेंट्स। थैंक यू, हैव ए गुड डे।